ओके है, मामला ओके है। अरे स्विमिंग पूल में ऐसे नहीं आते मम्मी। माता जी का ध्यान से चेहरा देख लो भाई, ये 60 साल की उम्र में गुच्छ घोड़ी चढ़ रही है और हमारे को चढ़ा नहीं रही है मम्मी। भाई बच्चों पैसा वसूल है क्या? हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होंगे, मौज ले रहोगे, बढ़िया से रोज ले रहोगे। तो गाइस एक बार फिर मैं आ चुका हूँ इतने बढ़िया और एक फैंटास्टिक व्लॉग के साथ। आज मैं आपको घुमाने आया हूँ मैं हिसार के बहुत बड़े वाटर पार्क में। थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ये सिर्फ वाटर पार्क ही नहीं भाई, यहाँ पे आपको एम्यूजमेंट पार्क भी मिल जाएगा, एडवेंचर पार्क भी मिल जाएगा भाई, मतलब मस्ती ही मस्ती होगी। और कई बार क्या होता है ना गाइस, लोग प्लान करते हैं कि 1000 रुपये में हमारे को बढ़िया एडवेंचर पार्क मिल जाए, 1000 रुपये में हमारे को बढ़िया एम्यूजमेंट पार्क मिल जाए, 1000 रुपये में हमारे को बढ़िया वाटर पार्क मिल जाए। यहाँ पे आपको ये 3000 रुपये 4000 रुपये भरने की जरूरत नहीं है सारे मस्ती करने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में सारी एक्टिविटी आप इंजॉय कर सकते हो, चाहे वो वाटर पार्क हो, चाहे वो एडवेंचर पार्क हो, चाहे वो एम्यूजमेंट पार्क हो, सब कुछ इंजॉय करोगे। और मैं कह रहा हूँ जब आप प्राइस सुनोगे ना भाई, मैं कह रहा हूँ कानों के पर्दे खड़े हो जाएंगे, इतना सस्ता है भाई, बता रहा हूँ आपको मैं। जगह का नाम बताता हूँ आपको मैं, MG हेरिटेज। और गाइस मैं आपको बताऊँ यहाँ की जो खासियत क्या है, ये पूरा केमिकल फ्री वाटर पार्क है और जो वाटर पार्क है ना सोलर पैनल वाला है। तो पहले मैं सारी जानकारी दे देता हूँ यहाँ के बारे में, टिकट प्राइस क्या है, यहाँ का टाइमिंग क्या है, एड्रेस क्या है, सब बता देता हूँ। उसके बाद बढ़िया से वाटर पार्क इंजॉय करेंगे, एम्यूजमेंट पार्क, उसके अलावा एडवेंचर पार्क। बाकी गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया हुआ है यहाँ के एडवेंचर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क पे बनाया, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। फिलहाल आज जो है हम मतलब पहले वाटर पार्क कवर करेंगे, उसके बाद एडवेंचर पार्क कवर करेंगे, एम्यूजमेंट पार्क कवर करेंगे, ओवरऑल हम सारी मस्ती करेंगे। बाकी डेडिकेटेड व्लॉग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी गाइस एक बात बताऊँ आपको मैं, आज एक स्पेशल गेस्ट आया है मेरे साथ, मिलवा दूँ क्या? पक्का मिलोगे ना? हाँ मिलवाता हूँ आपको मैं। तो गाइस स्पेशल गेस्ट देख लो भाई। हाय जी, कैसे हैं आप? आप मेरे क्या लगते हो? मम्मा। तो गाइस मेरी मम्मी आ चुकी है, मेरा भगवान आ चुका है मेरे साथ भाई। कैसे हो भाई आप? अच्छी, बहुत बढ़िया। हर बारी रोने क्यों लग जाते हो यार? बहुत बढ़िया। देखो मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं यार। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आपको मैं घुमाने आया हूँ, इंजॉय करने आया हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मजे आ रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं। तो गाइस मैंने मम्मी को ना वाटर पार्क हल्का से दिखाया है मैंने, और मम्मी ना मतलब पूरी एक्साइटेड है, मतलब है मजे आने वाले हैं ना। बहुत मजे आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? पहले पकोड़े खाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद इंजॉय करूंगी। पहले भूख लगी है, पहले पकोड़े। बड़े तेज हो मम्मी आप तो यार। पहले भूख लगी है, चाय पीऊंगी। लेकिन मम्मी पहले मैं अपने व्यूअर्स को ना पहले सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर हम चलते चाय पकोड़ा खाने, ठीक है? उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करें यहाँ के एड्रेस की, तो ये हिसार सिटी के डंडूर विलेज में स्थित है। तो गाइस सामने आप देख रहे हो, ये हिसार रोड, और ये देखो आप सामने जा रहा है फतेहाबाद, तो ठीक इसके बीच में देखो आप, ये है सामने देखो डुंडूर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको जाना है, 1 किलोमीटर मैक्सिमम होगा और आपको नजर में आ जाएगा MG हेरिटेज विलेज। तो गाइस अगर आप यहाँ पे खुद के व्हीकल से आते हो तो देखो पार्किंग भी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सामने आप देख सकते हो भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, और अगर मैं इस साइड दिखाऊं ना आपको मैं, काफी सारी वैन्स भी खड़ी हैं। तो भाई यहाँ का क्रेज तो है भाई, देखो भाई देख सकते हो भाई आप। गाइस अब बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो भाई सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक आप बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ के टिकट प्राइजेस की। तो गाइज इनके पास ना 3-4 पैकेजेस हैं, सब आपको मैं समझा देता हूँ। तो गाइज अगर आप स्कूल के साथ ट्रिप पे जा रहे हो और सिर्फ वाटर पार्क एंड हेरिटेज एक्टिविटी इंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 350 रुपये। लेकिन अगर आप इसमें ब्रेकफास्ट एंड लंच इंक्लूड करवाना चाहते हो तो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे 300 रुपये। टोटल ये पैकेज आपका बन जाएगा 650 रुपये का। अंदर आपको 1 रुपये भी आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका फ्री होगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इनके अदर पैकेजेस की। तो गाइज अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, या फिर आप एज ए कपल जा रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअली जा रहे हो, तो इनके पैकेजेस ना एज वाइज होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी एज 3 साल से 12 साल के बीच में है तो आपके चार्जेस होंगे 500 रुपये। अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है तो चार्जेस होंगे 600 रुपये। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं और उनकी एज अगर 3 साल से कम है तो उनका एज ए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, लंच इंक्लूड नहीं होगा। तो गाइस मैंने आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारी दे दी है, अब आपको मैं यहाँ का लोकर दिखा देता हूँ, उसके चार्जेस वगैरह बता देता हूँ, और कॉस्ट्यूम वगैरह के चार्जेस वगैरह बता देता हूँ आपको मैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लोकर की और कॉस्ट्यूम चार्जेस की। तो अभी सबसे बड़ी खुशखबरी पता है क्या है, यहाँ पे ना लोकर चार्ज भी फ्री है और कॉस्ट्यूम के भी आपको कुछ पे नहीं करना, चाहे आप एज ए स्कूल मतलब स्कूल के ट्रिप में आ रहे हो या फिर आप एज ए फैमिली अगर आप आ रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो ये सारे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेडीज कॉस्ट्यूम है,
और पूरा देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। कितने सारे हैं और बाकी काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं, सबको मिल चुका है, वो दिखाऊंगा आपको मैं। बाकी ये देखो आप, अगर मैं मतलब लड़कों की बात करूं तो देखो लड़के भी, लड़कों की कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो भाई, काफी लड़कों ने पहन लिया और काफी लड़कों के पड़े हैं भाई, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई थोड़े हैं कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बल्क में है पूरा मामला। बाकी गाइस आप देख सकते हो भी लोकर का साइज देखो कितना बड़ा है, हमने ना एक बैग रख दिया है और देखो चप्पल वगैरह हमने रख दिया, अभी भी देखो कितना स्पेस है भाई। तो ऐसा नहीं है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो मतलब छोटा लॉकर होगा या बिल सामान नहीं आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। देखो भाई कितना बड़ा लॉकर दे रखा है इन्होंने और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बताई दी आपको। तो गाइस अब आपको मैं यहाँ का चेंजिंग रूम दिखा देता हूँ भाई, कैसा चेंजिंग रूम है यहाँ का। तो यहाँ पे आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो, देखो कितना हाइजीन है, साफ सुथरा है भाई, देखो बढ़िया। बाकी पर्दे वर्दे भी लगा रखे हैं बढ़िया से यार। तो हमारे घर से लेके आए थे, मतलब हमने कहा चलो खुद के ही कपड़े पहन लेंगे हम भाई। एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया। मम्मी के ना मन में ही चल रहा है, पहले चाय पकौड़ा, पहले चाय पकौड़ा खाऊंगी फिर जाऊंगी मैं। वो खाना है पहले चाय पकौड़ा खाऊंगी भाई, तीन बार बोलते हैं मम्मी के मन की ना बात पढ़ रहा हूँ मैं। तो गाइस पहले यहाँ के चाय पकौड़ा वगैरह टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से इन्जॉय करते हैं। गाइस देखो भाई ये है इनके पकौड़े भाई, देखो कितने लाजवाब लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खाने में होंगे बढ़िया ये? हाँ जी, खा के देखिए। ये बात भी है, बाकी उसके अलावा क्या है? चाय है। तो चाय है, चाय होगी सर। अच्छा लस्सी भी है, दिखाना है इसके लस्सी है क्या? तो भाई देख सकते हो भाई ये लस्सी है भाई, देखो हरियाणा की शान मान जान सब है भाई यहाँ, मतलब जहाँ पे लस्सी ना हो भाई काम अधूरा है भाई। अच्छा ये जो स्नैक्स वगैरह आप दे रहे हो, टाइमिंग क्या होती है इसकी? सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। और एक बार खाएं या जितना मर्जी खाएं? जितना मर्जी खाएं। बहुत बड़ा दिल है भैया आपका तो यार, थैंक यू भैया। तो गाइस फिलहाल जो है हमने पकौड़े हमने ले लिए और मम्मी ने फटाफट शुरू कर दिए, मतलब पूछा भी नहीं मेरे से मम्मी, देखना क्या कर रहे हो ये, मेरे को तो भूख लगी हुई है, मतलब बहुत बस मतलब बहुत तेज हो मतलब आप भी हैं। अच्छा कैसे हैं मतलब बताओ यार? बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे हैं ना, मतलब वर्थ इट है, खाने खाने लायक हैं। ठीक है तो हम भी टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं आपको बताता हूँ कैसे टेस्ट है इसका। बढ़िया यार, ठीक है मैं आप अच्छे हैं ना। तो गाइस पकौड़े तो बढ़िया हैं, बाकी खाना खाएंगे तो खाना कैसे होगा वो बताऊंगा आपको मैं। तो गाइस सामने आप देख सकते हो भी काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये तो सारे बच्चे आप देख रहे हो ना, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, मतलब नर्सरी से लेकर और 12th तक जहाँ मैंने करी है, ये सारे मतलब ये उसी स्कूल के बच्चे हैं। देखो भाई क्या कह रहे हो? ग्रेजुएट। अच्छा आप तो ग्रेजुएट हो, आप बच्चे लग भी नहीं रहे आप। कैसे हो आप, कहाँ से आए हो? बढ़िया सर, हम मजे आ रहे हैं, फुल पैसा वसूल है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंजॉय करो भाई, लव यू भाई लव यू यार। कैसे हो भाई, बढ़िया? सर वो हमारे गुरु जी है। हाय सर, कैसे हो सर? कैसे हो सर? ये हमारे गुरु जी है और ये बच्चे हमारे, ये कैसे लग रहे, मजे आ रहे हैं, फुल पैसा वसूल है। एक सेकंड, मैं बोलूंगा भाई पैसा वसूल है जोर से, तो शोर मचा देना, पैसा वसूल है, ठीक है? 3, 2, 1 गो भाई। बच्चों पैसा वसूल है क्या? पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। फिलहाल जो हम इस वाटर पार्क की शुरुआत कर रहे हैं हम इस ट्यूब स्लाइड से और ये फिलहाल आज ये लड़की हमारे साथ जाएगी। हाँ जी बच्चे एक्साइटेड हो? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे जाने में? यार बड़े मतलब मुंह बना के बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगा, ठीक है आ रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल जो है हम जा रहे हैं ट्यूब स्लाइड में, चले भाई चलो चलो चलो, गए आराम से भाई भाई भाई, तो गाइस फिलहाल जो हम इस साइड में जा रहे हैं, देखो भाई कितनी बड़ी है भाई, मजा आएगा लेकिन यार आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। तीनों चले, हाँ ये हाथ पकड़ जाना पड़ेगा ना, नहीं
रुकी नहीं अबे नहीं नहीं आराम से आराम से आराम से भाई ये बिल्कुल आराम से को जा रहा है ये गया अब भी बढ़ गया बहुत स्रोत आ रहा है कोई बात नहीं फिर भी मजा आया गाइस मजा आया मतलब क्या होता है ना हर स्लाइड तेज भी होनी चाहिए आगे 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 साइड से भाई साइड से नहीं भाई ध्यान से ओ भाई तो गाइस भाई एकदम से आए हैं और भाई लगी है मेरे भाई तो गाइस फिलहाल अभी हम करने जा रहे हैं भूल भुलैया देखो भाई एक्चुअल में ये भूल भुलैया लग रही है देखो कितनी घुमावदार है देखो यार लेकिन मजा आ जाएगा बाकी देखो वो भाई देखो यार मतलब बीच में रुक गए भाई कैसा लग रहा है भाई मजे आ रहे हैं बहुत बढ़िया लगे रहो भाई तो भाई देखो कितनी घुमावदार है ये पूरी भूल भुलैया लग रही है भाई देखो यार चलते हैं एक बार ये जाएंगे मैम जाएंगे इनके पास हम चलते हैं देखो सही बैठ गया मैं तो गाइस फिलहाल जो है हमारी गए आराम से देखो यार ये भूल भुलैया मैं उल्ट गया पलट गया मैं ओ भाई अजब अलग ही था भाई ये तो भूल भूल भुलैया थी भाई मजे आ गए भाई मजे आ गए यार लेकिन मजे होता है भाई गाइस अब छोड़ देना मम्मी के साथ इंजॉय करते हैं मम्मी अकेली बैठी है आगे आ रहा हूँ तो गाइस देखो भाई ये बच्चे हैं भाई कैसे हो भाई हाँ भाई मजे आ रहे हैं भाई बिल्कुल आप पापा इनके तो भाई पापा के पैसा लगवा के मजा आ रहा है पूरे खुश हो रहे हैं बड़े हैं खर्चा करवा के कैसे हो मामा बढ़िया ये लो आपकी ट्यूब मैंने वापस दे दी आपको ठीक है ओके भैया नहीं नहीं कोई बात एक ही बात है आओ मैं आओ आज वहाँ से आ जाओ गाइस मम्मी का पहला एक्सपीरियंस था किसी स्विमिंग पूल में जाने का जाओ भाई जाओ देखते हैं कैसे जा पाओगे तो भाई देख लो भाई पहला एक्सपीरियंस के साथ मम्मी जा रहे हैं ध्यान से गिर मत जाना भाई पूरे मतलब माहौल बिल्कुल डर का माहौल है ओके मामला ओके है अरे स्विमिंग पूल में ऐसे नहीं नहाते मम्मी ऐसे नहीं नहाते स्विमिंग पूल में मैं आता हूँ सिखाता हूँ आपको अभी फिलहाल तो अभी हम बोटी स्लाइड करने जा रहे हैं और भैया बता रहे हैं कि बहुत स्पीड में होती है ये बहुत स्पीड में होती है क्या ये मजा आएगा नहीं आएगा लगेगी तो नहीं ठीक है गाइस तो अभी ये बोटी स्लाइड करते हैं चलो यार अब जाते हैं बोटी स्लाइड वाले भाई गाइस इन्होंने बच्चों का सेक्शन ही बना रखा है देखो जो अगर आपके साथ दो तीन चार साल तक के बच्चे आते हैं ना तो भाई यहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं देखो मतलब छोटा स्विमिंग पूल बना रखा है इन्होंने बढ़िया से और बाकी ना यहाँ पे आप रील्स वगैरह बना सकते हो मतलब इंस्टाग्राम के रील्स बना सकते हो यूट्यूब के शॉर्ट्स बना सकते हो आपने कहीं देखी भी होंगी देखो पानी में से लोग चल के आते हैं और रील्स बनाते हैं बढ़िया चीज़ देखो यार तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रखा हुआ या फिर ऐसे नहीं है कि मतलब अगर तीन साल से कम बच्चों की अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री है तो भाई उनके लिए कुछ है नहीं ऐसा नहीं है भाई प्रॉपर देखो खर्चा वर्चा कर रखा है देखो और बढ़िया कर रखा है और बच्चों के लिए बाकी देखो ट्यूब वगैरह भी रखी हुई है इन्होंने बच्चे एक बच्चों बच्चे इन्जॉय भी कर रहे हैं ये दो तीन साल की बच्ची लग रही है मेरे को बच्ची है या बच्चा देखो फिलहाल जो है हमने वाटर पार्क बढ़िया से इंजॉय कर लिया है सारी स्लाइड्स हमने इंजॉय करी आपको मैंने दिखाया आई होप आपको पसंद आया होगा बाकी गाइस पता क्या मम्मी को भी बहुत मजा आया बाकी मम्मी अब चाय पीते हैं ना चाय पीते हैं क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि ना मतलब पहले अगर चाय पियेंगे ना वाटर पार्क इंजॉय करने से पहले सर्द गर्म हो जाता है ऐसा कुछ होता है ना ठीक है अब तो कुछ नहीं होगा अब कुछ नहीं होगा
क्या बात है। तो गाइस देखो यार, हर माँ डॉक्टर भी होती है, सब होती है माँ है। तो गाइस फिलहाल अभी हम चाय पीते हैं, उसके बाद सारी राइड्स हम एंजॉय करेंगे, चाहे मतलब घुड़सवारी हो, चाहे उसके बाद मतलब कोई झूले वगैरह है, सारे हम एंजॉय करेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम एंजॉय करने आ चुके हैं सुपर डुपर। मम्मी से पूछते जाएंगे भाई, जाओगे भाई? मम्मी बोल रहे हैं कि हमारे बस की है या नहीं है, वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन सी हो चुकी है। क्या करोगे मम्मी, क्या मतलब क्या बात है जी, बहन जी आप क्या चूज करोगे, जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे, जाओगे कैमरे के सामने बोल रहे हो या मतलब एक्चुअल में जाओगे? नहीं जाएंगे। चलो ठीक है भाई, माता जी ने जो है डिसीजन ले लिया है जाने का। थैंक यू भैया, आपके आपने मतलब बोला भैया ने और माता जी मान गई है। फिलहाल जो है सुपर डुपर बैठ के हम एंजॉय कर रहे हैं ये। भाई फिलहाल तो मम्मी भी आसमान में आ चुकी है सुपर डुपर में बैठ के। मम्मी डर तो नहीं रहे? लग तो रहा मम्मी यार। माता जी गेम को क्विट करोगे यहीं से या फिर आगे खेलना चाहोगी? खेलोगे? मम्मी को भी पूरे स्वाद आ गया बता रहा हूँ मैं यार। गाइस फिलहाल अभी हम एंजॉय करने आ चुके हैं स्विंग चेयर। भाई देखो ये ना मतलब शुरू तो देखो यहाँ से होता है, नीचे से होता है, लेकिन ये ऊपर तक जाता है। देखो वहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ऊपर तक। देखो ये पेड़ है ना, पेड़ बिल्कुल पेड़ के सीधे तक पहुँच जाएगा। देखते हैं मतलब एक्सपीरियंस करके देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ का। तो गाइस फिलहाल अभी हम बैठ चुके हैं स्विंग चेयर पे और ये झूला भी हमें एंजॉय करना पड़ेगा, लेकिन बड़े आराम से चलाएंगे ये, क्योंकि हमारी माता जी थोड़ा डरते हैं यार। माता जी पकड़ के बैठना बिल्कुल आराम से यार, ठीक है? आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। गाइस फिलहाल जो है हमने काफ़ी सारी राइड्स हमने एंजॉय कर ली है, मतलब मैंने कम करी है, मम्मी भी ज़्यादा करवाई है मैंने। भाई मज़े आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि दिन वेस्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मज़े आ रहे हैं ना? बहुत मज़े। चलो भाई मम्मी को मज़े आ गए, मतलब हमारे को मज़े आ गए। अब हम खाएंगे खाना, भूख लग रही है ना? भूख लग रही है, अब खाना तो खाएंगे। थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा। आपको मैं यहाँ का खाना दिखाता हूँ कि खाने में क्या क्या मिल रहा है आपको। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। देखो भाई ये है रायता, प्रॉपर देखो गाढ़ा गाढ़ा रायता लग रहा है भाई। और ये है चावल भाई, बहुत बढ़िया मतलब लंबे लंबे चावल लग रहे हैं। बासमती चावल यूज़ करते हो क्या? जी बासमती। बहुत बढ़िया बात है गाइस, देखो यार बासमती चावल यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। और ये होगी दाल, दाल ही बहुत गाढ़ी लग रही है भैया यार, बढ़िया यार, अच्छा अच्छा काम कर रहे हो भैया। बाकी टेस्ट देखेंगे, टेस्ट कैसा है इसका? देखने में तो ये बहुत शानदार लग रही है, गाढ़ी लग रही है, टेस्ट बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये कौन सा भैया? ये मटर पनीर। अच्छा ये मटर पनीर है, तो गाइस देख सकते हो भाई ये मटर पनीर है, बहुत बढ़िया यार। और ये क्या भैया? ये कढ़ी है। कढ़ी मैं आपको बताऊं भाई, देखो हरियाणा की तुम्हारी ये शान मान जान होती है, जहाँ पे मतलब हरियाणा में कहीं जाते हैं ना, कड़ी ना हो भाई वो पार्टी अधूरी है, वो गैदरिंग अधूरी है, बता रहा हूँ आपको मैं। मतलब बिना कड़ी के तो भैया हमारे यहाँ मतलब माहौल बनता ही नहीं है। और ये केस में क्या भैया? मिक्सी रोटी है, दूसरी। अच्छा रोटी है भाई, देखो भाई तंदूरी रोटी है, देखो भाई मिक्सी, बहुत बढ़िया, ये मिक्सी रोटी होगी। जी जी जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आगे देखो सलाद भी है, सलाद में आप प्याज का एंजॉय कर सकते हो, मिर्चें भी हैं, और देखो मिर्च देखो तली हुई मिर्च भी है और सादी भी है, जैसे आपको मन करे आप खा सकते हैं। नींबू वगैरह है और टमाटर वगैरह भी रखे हुए हैं। भाई साहब बात करते हैं यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट की। देखो भाई अंदर भी आप बैठ सकते हो, शेड के नीचे देखो प्रॉपर आप मतलब बैठ सकते हो यहाँ पे। बाकी अगर शेड के नीचे नहीं बैठना, बाहर लोन में बैठना है, तो बाहर भी सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर बना रखा है, बढ़िया। पेड़ों के नीचे बैठो आराम से, फैमिली के साथ आओ, बातें बातें करो, खाना इंजॉय करो और पेड़ों की छाव के मजे लो भाई। तो गाइस फिलहाल जो है हमने खाना खा लिया भाई, थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं भाई। बहुत टेस्टी खाना था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। कैसा था खाना भाई? बहुत बढ़िया, घर जैसा खाना, एक्चुअल में बहुत बढ़िया खाना था भाई, ये बातें नहीं बोल रहा भाई मैं, सीरियसली बहुत बढ़िया खाना था भाई। आप भी आओ ना भाई, भाई फुल छिपके खाना खाना भाई, मैंने तो यहाँ तक खाया भाई। आपने फुल पेट भर गया ना? सही, एक्चुअल में बढ़िया खाना था भाई। बाकी अब डांस करने चलते हैं, कभी डांस कर भी रहे, देखो बच्चे डांस कर रहे हैं भाई, मम्मी मम्मी इनको ज्वाइन करते हैं भाई डांस करते हुए। We'll be right back.
तो गाइस यहाँ पे ना आप घुड़सवारी भी कर सकते हो भाई, आपको पता है मैं तो करता ही रहता हूँ भाई, मैं आज मम्मी को एक्सपीरियंस करवाएंगे भाई, करोगे भाई? मतलब कोई चीज आपने पहली बार में है यस नहीं बोली, सोच समझ के बोलते हो, करोगे नहीं करोगे? नहीं घुड़सवारी नहीं करेंगे। क्यों, क्या हो गया? करवा, हम करवा के रहेंगे, हम करवा के रहेंगे आज आपसे। तो गाइस फिलहाल जो है हमारी माता जी करने जा रही है एक्सपीरियंस घुड़सवारी का भाई। हाँ तुम भी, कैसा लगा भाई? गाइस अच्छा लगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस फिलहाल हमारी माता जी जो एक्सपीरियंस करने जा रही हैं घुड़सवारी का, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है मम्मी को। मम्मी ध्यान से बता रहा हूँ मैं, आपका वेट बहुत है, बता रहा हूँ ध्यान से। अरे घोड़ी दब गई, ध्यान से। तो गाइस हमारी माता जी एक्सपीरियंस करी, कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है। मतलब इस उम्र में हमारे को घोड़ी चढ़ाना चाहिए आपको? हाँ। हमारे को तो घोड़ी चढ़ा नहीं रहे हो, खुद घोड़ी चढ़ रहे हो, देख रहे हो? तो गाइस देख सकते हो भाई, इस माता जी का ध्यान से चेहरा देख लो भाई, ये 60 साल की उम्र में खुद घोड़ी चढ़ रही है और हमारे को चढ़ा नहीं रही है मम्मी। तुम्हारे को बहुत जल्दी चढ़ाएंगे, देख रहे हो? माता जी का चेहरा ध्यान से देख लो आप, गलत कर रहे हो माता जी, आप बता रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। खैर गाइस फिलहाल जो है स्कॉलर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं घुड़सवारी का एंजॉय करने के लिए। हाँ जी भाई, पहले करिए कभी? नहीं करी। तो भाई एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया। बाकी काफी सारे बच्चे देखो एंजॉय करने आ चुके हैं, कैसे हो भाई सब? बढ़िया। यार पता है कि यार लग नहीं रहा कि आप किस स्कूल के बच्चे हो यार, थोड़ा शोर मचाओ यार। फिलहाल तो घुड़सवारी स्टार्ट हो चुकी है इस मैम की। हाँ जी भाई मजे आ रहे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैम बना दे, कोई बात नहीं, मैम ही है वो भी यार। तो ये छोटी मैम आ चुकी है। हाँ जी मैम, कैसा है ना, क्या नाम है आपका भाई? शिवांगी। बड़ा प्यारा बोलती हो आप तो यार। पहले किया आपने कभी? पहले किया है? कब? पिछले जन्म में किया होगा आपने? इस जन्म में मुझे लग नहीं रहा, कितनी उम्र है? अच्छा पहले गई है क्या? अच्छा वहाँ पे ऐसी है कि फैसिलिटी देते हैं क्या? बहुत बढ़िया यार, ये तो अच्छी बात है। हाय कर दो। बाकी गाइस यहाँ पे ना आप कैमल राइड का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से, मतलब यहाँ पे ना मतलब घुड़सवारी भी है कैमल राइड भी है। फिलहाल भैया जो है तैयार कर रहे हैं इसको, भैया नहीं अंकल है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? पहचाना आपने मेरे को? मैंने ये एडवेंचर एक्टिविटी का पहले एक व्लॉग बनाया था। अच्छा, याद आ गया? बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है भैया ने हमारे को पहचान लिया। तो गाइस यहाँ पे आप मतलब कैमल राइड का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से यार। तो गाइस अब चलते हैं इंडोर गेम्स की तरफ, और बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया देसी गेम है भाई, गुलेल वाली गेम है यहाँ पे, तो देखो। तो गाइस ये रही हमारी गुलेल और ये रही हमारे कंचे, और देखो भाई सामने देखो भाई, दो बॉक्स हैं और बॉक्स के अंदर हमारे कंचे डालने हैं भाई। इस फिलहाल तो मम्मी ट्राई कर रहे हैं गुलेल वाली गेम भाई। मम्मी पता है क्या करना है आपको? सामने जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर जो है एक वो मतलब मोटर टाइप बना हुआ है ना, उसके अंदर कंचा डालना है आपको। हाँ कंचा डालना है आपको उसके अंदर। हाँ डाल देती हूँ, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो है? क्या बात है, देखो देखते हैं गाइस ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भैया फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं मम्मी, देखते हैं भाई, करो भाई। आज ये देखिए, देख लो यहीं पे रह गया गाइस, देखो यहीं पे नीचे गिर गया बिल्कुल। एक ट्राई और मारो, कोई बात नहीं मम्मी। ए नहीं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम देखते हैं। आज जो है नेक्स्ट गेम मैं बता देता हूँ आपको, मैं सारे गिलास हैं मतलब 6 गिलास रखे हुए हैं और ये बोल से जो मम्मी को गिराने हैं। मम्मी गिरा दोगे भाई? सारे गेम मैं गिरा दूंगी, कर नहीं रहे होता, चलो ट्राई मारो कोई बात नहीं। ए मम्मी एक दो, एक और ट्राई मारो। मम्मी क्या चल रहा है, सेट करके मामा सेट करके ए ओए भाई। तो भाई आपको ध्यान से दिखाता हूँ मैं, मम्मी ने भाई 3-4 गिलास तो गिरा दिए भाई। तो गाइस अब आपको मैं ना यहाँ का ना एडवेंचर पार्क का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको मैंने बताया कि मैंने यहाँ का डेडिकेटेड व्लॉग बना रखा है मैंने, तो आप वो चेक कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा व्लॉग जो है बना रखा है। बाकी देखो ये सारा जो है यहाँ का ये कमेंटो नेट हो गया, ये देखो, तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो और बाकी आगे देख सकते हो भाई, काफ़ी टायर वाली एक्टिविटी भी है यहाँ पे, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हो बढ़िया से, काफ़ी जो है लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखो हेलो हेलो कैसे हो, मैं आपके पास आ ही रहा था, आपने खुद बुला लिया मेरे को, देखो बहुत बढ़िया इंजॉय कर रहे हो भाई। जो पैसे भरे हैं मतलब वसूल हो गया, कहाँ से आए हो, क्या कह रहे हो? पूरा हक लेके जाएंगे, ये हो ना बात। बाकी गाइस देखो ये कन्याएं एंजॉय कर रही हैं अभी, मजे आ रहे हैं भाई, फुल मजे आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो
तो गाइस देखो ये सारी के सारी जो है ये एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, तो आप ये कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये बच्चे एंजॉय कर रहे देख सकते हैं आप, और ये मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से यहीं पे खड़ी है और कोई हलचल नहीं हो रही, बता रहा हूँ मैं। भाई चाहते क्या हो ए? भाई ध्यान से चाहते क्या हो आप? पता नहीं। देखो भाई आधा घंटा तो नहीं हुआ मेरे को, मैं देखते हो गए आप आगे, मूवमेंट ही नहीं हो रही, बता रहा हूँ मैं आपकी। कोई यार यहाँ पे ना जिप लाइन भी है, देखो जिप लाइन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको तो बिल्कुल चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, बता रहा हूँ मैं। डर लग रहा है? लग रहा है, लेकिन फिर भी करना है। चलो करो करो, देखते हैं। भैया थोड़ा ध्यान से करना, इसकी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, बता रहा हूँ मैं। बोल दिया डर लग भाई। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, भाई को बिल्कुल सेफ्टी से भेजते हैं। देखो बेल्ट वगैरह लगा दिया है भैया, बेल्ट वगैरह पक्की है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो भाई देखो बेल्ट पूरी लगा दी है। देखो मतलब डर वाली बात तो नहीं है, वैसे बच्ची डरे तो डरे। ध्यान से बिल्कुल ले गई, बहुत बढ़िया। हेलो इधर देख तो लो क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। भाई गाइस यहाँ पे ना आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, देखो कितने सुंदर सुंदर बैग हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैं। और ये ना हैंड मतलब ये बिल्कुल हाथ से बिल्कुल तैयार किए गए हैं, देखो इनकी कलाकारी देखो कितनी प्यारी हुई है। देखो यार बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे जो है पर्स आप परचेज कर सकते हो भाई, बहुत प्यारे प्यारे हैं भाई। बाकी देखो यहाँ पे ना ये देखो ये ऊँट भी आप परचेज कर सकते हो, देखो और ऊँट है, घोड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं भाई। देखो कलाकारी मतलब जिसने करी है ना, बहुत प्यारी प्यारी कलाकारी की हुई है, तो आप ये परचेज कर सकते हो भाई। बाकी पेंटिंग देख सकते हो, पेंटिंग आप परचेज कर सकते हो आप। तो गाइस ये कुछ था आज के व्लॉग के अंदर। भाई मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इतनी मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती की। आई होप आपको भी व्लॉग देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। भाई गाइस मैं आपको बताऊँ, इतने कम प्राइस में, इतने सस्ते प्राइस में भाई आपको मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलना, बता रहा हूँ मैं। मतलब वाटर पार्क के मज़े ले सकते हो आप, एक ही जगह पे आप वाटर पार्क के मज़े ले सकते हो, एडवेंचर पार्क के, एम्यूजमेंट पार्क के, और बढ़िया खाना भी मिलेगा आपको यार। मतलब इतना कुछ आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में, तो फटाफट से यहाँ पे आ जाओ भाई, एक बार इनको सेवा का मौका दो, फटाफट इंजॉय करो। और मैं आपको बताऊं, एक बार आप आओगे ना, मेरा प्रॉमिस है, एक बार आप आओगे ना हर हफ्ते आपका आने का मन करेगा, क्योंकि बहुत सस्ते में है ना यार। तो एक बार यहाँ पे आना, फिर हर हफ्ते आना और मेरे को दुआएं देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और हाँ गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय 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 बाय। गाइज मैं आउटरो कर चुका था और मैं बाहर आ चुका था, लेकिन देखो भाई एक चीज़ और बढ़िया हो रही है यहाँ पे। मतलब हर इंसान को देखो ये एक एक आइसक्रीम भी दे रहे हैं, मतलब अमेजिंग यार, मतलब बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया भाई ये चीज़ देख के यार।